सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। टाइम हो चुका है सुबह के 11:30 और अब बनने जा रहा है हमारा नाश्ता। नाश्ते में आज बन रहे हैं आलू के पराठे, जिसकी मेकिंग मैं अभी शूट करने वाली हूँ और वो मेकिंग आपको दिखेगी यशस मकबैन के शॉर्ट्स में। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मिले या फिर हो सकता है कि पहले मैं डाल दूँ, तो वो अभी कंफर्म नहीं है, बट आपको मेकिंग मिल जाएगी यशस मकबैन के शॉर्ट्स पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और कहना चाहती है, कल हमने बहुत डिस्कस किया गाइस, पहले तो गुड मॉर्निंग, कल हमने बहुत डिस्कस किया कि चैनल्स को जो बाकी बनाए हुए हैं उनका क्या करना है, उनको चलाना है कि नीलाम कर दे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो भाई ठीक है, उनको चला लेते हैं। तो अभी हमने ये सोचा है कि मकबैन जब तक मैं शूट नहीं कर पा रही तो तब तक हम उसमें मेकिंग डालते हैं। और क्योंकि ऐसा मैंने कोई भी चैनल नहीं देखा जहाँ पे मेकिंग भी है उस चीज की और फिर उसका मकबैन भी है, तो हमने ये डिसाइड किया कि मेकिंग दिखाएंगे क्योंकि घर का ही खाएंगे उसमें और आपको वीडियोस खाने वाले भी देखने को मिलेंगी। तो चलो उसकी शुरुआत फिर आज से कर देते हैं। मैंने बना लिया आलू के पराठे, क्योंकि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कैसे बनाया, रेसिपी दो ये वो, तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि रेसिपी किस तरीके से दी जा सकती है, तो यही एक जरिया है भी तुमको रेसिपी देने का। यस, तो हम बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल के आलू के पराठे, लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा मकबैन पे, तो पहले मकबैन वाले चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इसकी पूरी मेकिंग आपको वही मिलेगी, यहाँ तो सिर्फ ब्लॉग मिलेगा देखो। यस, अभी जब आलू के पराठे जब रेडी हो जाएंगे, जब हम नाश्ता करने बैठेंगे, फिर हम आपको मिलेंगे, इतने में शूट कर लेते हैं, ठीक है। गाइस, अपना पराठा और चटनी आ चुकी है, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी यशस मकबैन के चैनल पे, और हमने प्रॉपर रेसिपी बनाई है, मतलब शॉर्ट्स में नहीं डाला, पहले मैं सोची थी कि शॉर्ट्स में डाल दूं, बट मैंने शॉर्ट्स में नहीं डाला, प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आप यशस मकबैन पे जाके प्लीज देख लेना उसको, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। और फटाफट, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, और आज मैंने नोटिस किया इतनी देर तक जो मैं शूट कर रही थी, मतलब मैं खड़े होकर इधर से उधर घूम रही थी, तो अभी बॉडी में वीकनेस है लिटरली, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी यार ठीक है ना, मतलब बाहर से जख्म सूख गया, अंदर भी सूख ही गया होगा, बट ऐसा नहीं है, वीकनेस है बॉडी में। तो अभी मैं फिलहाल खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि मेरे को, और आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद जब यशु आ जाएगी तब। मतलब बोर हो रही हूँ बहुत ज्यादा। दादा ठीक हो गई कि गली टांगे निकले पता है ना, उसको भी उठा दिया, सो जा तू। रानी सो के उठता ना, इसकी आंखें बहुत डरावनी लगती है, देखते तो एक बार देख लो, इसमें इस शेर की आंखें होगी बिल्कुल डरावनी आंखें लगती है इसकी, बुखार देखा, बुखार जानवर वाली आंखें लगती है। बारिश बंद हो गई ना? देखा बारिश बंद हो गई लग रहा है ना ऐसा। मेरे साथ खेल क्या बचपन है ये खेल, मेरे साथ मैं पागल हो गई हूँ कि कुछ है। मैं बोर हो रही हूँ प्लीज चल। चुपचाप दवाई खाई, पीने वाली भी, पीने वाली नहीं पीना, अगर बोला मेरे सुस्तों में जलन हो रही है फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना ये बात, मेरे से बुरा कोई है भी नहीं। हाँ मेरे से बुरा कोई, पहले ऐसे बोलते थे ना, मेरे से बुरा कोई नहीं, पहले ऐसे बोलते थे ना बचपन में, पहले ऐसे बोलते थे मेरे से बुरा कोई नहीं, हाँ तो तेरे से बुरा कोई है भी नहीं। चाइनीज से आके बताओ कैसे हंसती है तुम, बताइए चाइनीज से आके, देखने चाइनीज मम्मी कुत्ती जान, यार ये चाय ठीक हो गई क्या? दादा ठीक हो गई क्या तुम? मेरे साथ खेल, में बोर हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ। रात को भी दो तीन बजे से, जब तक ये मुझे खुला दिखेगा ना, जब तक ये मुझे खुला दिखेगा मैं इस पे गुलगुली करूंगी। तो मुझे पहन लूंगी इस पे मैं, तो ये प्रेग्नेंट लेडी का पेट लग रहा है, ऑपरेशन के टाइम आपके पचास बार बताया मैंने, लेकिन हेटर्स को तो लड़के से लड़की, लड़की से लड़का बनने का शौक चढ़ा है, फिर तो हो गई है ऐसा, जा प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? अरे माता तुमको बनना चाहिए था, वो दूसरी का है, वो जो उसकी माँ दिखती है, प्रेग्नेंट तो उसको बनना चाहिए था, ये क्यों प्रेग्नेंट हो गई? मुंह कैसे करा दे क्या? <देख?
क्या है, क्या क्या सोच के बनाया भगवान ने इनको, मतलब क्या क्या चीजें डाली इनके अंदर। साहेब ये क्या कर रहे हैं? ना ऐसा लग रहा है कोई इसको छू रहा है इसको। जब इसको कोई मक्खी या कोई जानवर ऐसे उड़ता हुआ दिखता है ना तो ऐसा करता है, डरावना लगता है ऐसे करता हुआ। और ये अभी वाले डुंडू देखने चले सच में डुकू, 9:20 देखने के रात को वैसे 2 बजे तक नींद नहीं आ रही मेरे को। जान मैं कौन बता, 9:20 देखने चल, नहीं गदर देखने जाएंगे। नहीं 9:20 देखने चला, आज ही चल मैं बोर हो रही हूँ प्लीज। बाबू जी देना बैठ नहीं पाओगे मानो, बात मैं बैठ जाऊंगी, मैं ऐसे लेट जाऊंगी। रिक्लाइनर ले लेंगे, रिक्लाइनर लेट के देख लूंगी रिक्लाइनर पर। देखने क्यों है रिक्लाइनर से, पीछे होती है फिर लगेगा दीवारों में से वो पीछे दीवार पे चढ़ती होती है, मेरे को तो ये लगेगा वो पीछे ही करके भाग रही है। मैं नहीं प्लीज जान, नहीं जान बाबू समझो बात को, नहीं प्लीज बाबू ना मेरी बच्ची नहीं करती है मेरे साथ। अभी बैठने में दिक्कत होगी, इतने घंटे आप नहीं बैठ सकते। लोगों कुछ लोगों को मेरे पूछे करने से बड़ी दिक्कत होती है आपको, कहते तुम्हारी इसकी बीवी है ना जी, बीवी बनी हुई है, बीवी जो बनी हुई है ये बस उसको चुम्मा चाटे करने के लिए चाहिए। भाई तू एक काम कर, वीडियो बाद में शूट कर, ये पहले अपनी बीवी को शांत कर। ऐसे ऐसे लिखते हैं कमीने, ऐसा शांत कैसे, मतलब कैसे शांत करेगा ये मुझे, मैं मुंह दबा के शांत होंगी मैं। भाई मेरी नोना है ये, मैं पुच्ची नहीं करूंगी, पुच्ची करने में आवाज तो आती है, अब क्या यूं कर लूं क्या, ऐसा कुछ पुच्ची होती है, पुच्ची तो ऐसी होती है कि नहीं। हम लोग बना रहे हैं घर पे अपनी चाउमीन, बाबू थोड़ा सा काला काला डाल दे इसमें उस सिरका सा, खट्टी हो जाएगी बिल्कुल, नहीं होती कम लग रही है तो कुछ मैं अच्छी मसाद दी है प्लीज डालो डाल दो बाबू फिर काला काला और थोड़ा सा डाल दे बस डाल दो यस ये ले थोड़ा सा डाल दे बस थोड़ा सा जल्दी कर वाह इतना ज्यादा जान तो ये ज्यादा डाल के तो खराब होती है चाउमीन बस मैं ही डालती सर देती हूँ बढ़ देती हूँ कहीं बस अब कितना मजा आएगा खावा में। इतनी तेज बारिश और बारिश के साथ चाउमीन का मजा भाई अलग ही है, अलग ही है वो भी घर की बनी हुई चाउमीन भाई खा के मिलते हैं गाइस। और ये आटे के नूडल्स है और हाँ ये आटे वाले नूडल्स हैं यार। सो गाइस रात के बज चुके हैं 11:30 और हमने अपना डिनर कर लिया है। क्या हो गया बताओ गाइस को, मैं तो बुखार हो रहा है देखो तो बाबू डेली शाम को बुखार होने लग गया आजकल। ये आदमी पिछले कितने महीनों से कभी इसको कुछ हुए जा रहा है और मैंने एक बार भी कंप्लेन नहीं की किसी बात के ऊपर ठीक है। हाँ आज ही की है ना क्योंकि आज से पहले नहीं की ना और मेरे को अभी 3-4 दिन से मेरी तबियत खराब होने लग गई कि मेरे को हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा और आज मुझे फीवर हो गया बहुत तेज बुखार लिटरली बहुत तेज फीवर था। लेकिन इस आदमी को ना एकदम से तो रोज बीमार होने लग गई रोज शाम को क्या होता था तेरे को मतलब ऐसे बिहेव किया है मेरे साथ पता है मतलब तू ये दिखाना चाहती है गाइस को कि मैं अच्छी पत्नी हूँ और ये नहीं है ये दिखाना चाहती है। मैंने बस इतना बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा तो इन्होंने पता क्या बोला कि तूने पिछली बार जब ऐसा बोला था ना कि मेरा मन नहीं लग रहा तब मैं बीमार पड़ गई थी इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है कि मैं मनहूस हूँ कुछ भी मेरा बच्चा अच्छा नहीं है बाबू है जो कुछ भी नहीं है ऐसे तो कुछ भी नहीं है। मैं ये इसको एक्चुअली 3 दिन से डेली शाम को फीवर या सर में दर्द हो रहा है तो मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर को दिखा लेते हैं कल एक बार एक सुई लगाएगा डॉक्टर सही हो जाएगी तो देख रहे हो यहाँ पे भी टॉर्चर मेरे तो यार बताना इसमें टॉर्चर की क्या बात है। दवाइयाँ नहीं होती क्या मैं तुमको दवाइयाँ दिला दिला के नहीं लाती थी क्या तो दवाइयाँ नहीं होती क्या इंसान के लिए सिर्फ इंजेक्शन ही होता है जल्दी ठीक हो जाते हैं ना जिससे कि ऐसे यहाँ से वो हटाएगा देख लो ऐसे केयर कितने मैंने इस आदमी की इस दिन के लिए ये मुझे बोलेगा कि इंजेक्शन लगवा ले चल जा अब तो खिलवा दी ना तूने बोल देगी कि एक ही बार में इसको जहर का इंजेक्शन लगा दे कह देगी उसको तो ज्यादा बोलेगी है जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा तो फिर मुझे बोलेगी
प्रैक्टिकल रहने वाली इंसान हूँ मैं, क्या करूँ बताओ। अभी कहती मन नहीं लग रहा, फिर मैं इसको क्या बोलूँ? नहीं बाबू अपन तो तलेंदे, मैं वो वैसे नहीं आता यार, मैं क्या करूँ? तो मन नहीं लग रहा तो मेरे नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा ना। और बोल। तो मन नहीं लग रहा तो। और बोलती रह, बोलती रह, बोलती रह, बोलती रह। नहीं बोलना, नहीं नहीं और बोल, और बोल। मन नहीं लग रहा मेरा यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे रहना तो नहीं है। मैं बोलती हूँ कि क्या बोलते हैं कि जब मैं जब तुम्हारा तुमको कुछ होता है जी बजी तो मैं तुमको मैं ऐसी बातें नहीं करती ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा। अभी तुमने बोला नहीं तो शाम से कि 90-20 देखने चल, 90-20 देखने। मैंने बोला कमरे के अंदर की बात की थी मैंने, शहर की बात नहीं की थी। तो अपन दोनों अलग अलग है ना, अगर मैंने नहीं लग रहा मन तो मतलब मैं क्या बोलूँ, लग रहा है झूठ झूठ बोलूंगी, मैं झूठ झूठ बोल दूंगी लग रहा है मेरा मन, झूठ झूठ बोलूंगी मेरा मन लग रहा है, मैं मेरा मन लग रहा है, नहीं लग रहा तो मैं नहीं लग रहा ना। भंडारा खाने चलेंगे, हरिद्वार में चले, कावड़ शुरू हो गई ना, कावड़ भी देखने जाऊंगी फिर मैं। ठीक है ले चलेगी क्या? क्यों कावड़ में बहुत भीड़ होती है तो क्या हो गया? भीड़ तो है, फिर क्या हो गया? अब देख लो ये जानबूझ के मेरे को तो अभी ऐसे कहना चाह रही है कि भीड़ तो है, क्या हुआ? मैं मेरे को कोई धक्के मुक्के तो मार देगा, कोई बात नहीं, मिटाके तो दुख जाएंगे। इसके बारे में मैं जब जानती हूँ ये ऐसे ही करती है मेरे को हमेशा ही। मैंने कुछ कहा ऐसा? मैंने आपको पता चलेगा, मुझे पता चलता है। पता है कैसी है? पहले मेरे को कहेगी मैं जैसे परेशान हूँ कि मैं बोलूंगी कि बाबू आदमी तो वो हक कर लेते हो मेरी बेटी, फिर उसके बाद ना जैसे मतलब मैं थोड़ा पकड़ लूंगी मतलब तो दुखते हैं, उसके बाद उल्टी ऐसे ऐसे लेट की ना पबजी ने मार दिया मुझे। जब उसके बाद ना ये सारा सेक्शन इधर रहता है बैठ की तरफ, तब कुछ भी नहीं दुखता, कुछ भी लिटरली 4 घंटे तक कुछ भी नहीं दुखता, पबजी चलता रहता है। एक एक हाँ, मेरे से प्यार रखे से मैंने 4 घंटे पबजी खेला है। 2 घंटे तो खेला होता है, 2 घंटे पबजी खेला, आज तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, आज तो पूरा दिन का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, आज मैंने 2 घंटे पबजी खेला, आज तो नहीं खेला ना, कल तो खेला था, परसों कितना खेलती हो तो पबजी पबजी खेलते, पबजी या तो पबजी या तो फिर उसके पास जाके उसको चूमा चाटी, उसको बाहर जाके मम्मा देख चिड़ोक लिए, मम्मा देख चिड़ोक लिए, मम्मा देख चिड़ रही है, मम्मा देख चिड़ रही है, बस सारा दिन यही काम आते करना ऐसे ऐसे करके। गाइस आप लोग बताओ, अगर मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं यही तो बोलूंगी कि मेरा मन नहीं लग रहा, और मन नहीं लगने वाली बात तो शुरू से ही है। मैं हमेशा बोलती थी जब अपन लॉन्ग डिस्टेंस रहते थे तब बता दो, कि नहीं बोलती थी क्या? उस दिन मैंने चैट खोली थी उसमें मैंने हर दूसरे मैसेज के बाद यही लिखा हुआ था मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप कहते बाबू इसमें तो कोई नई बात नहीं है, नई बात बता। ऐसे करती मेरी बातों पर, क्या करूँ तो मैं क्या करूँ अगर मन नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ बता? ऐसे तो मेरा भी दिन में मन नहीं लग रहा था, फिर मैंने तेरे साथ खेला ना, मैंने ऐसे ऐसे किया ना, अब तू बता क्या तू क्या करेगी? तो मैं क्या कर सकती हूँ बता, क्या वही तो ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इधर छेड़ सकती ना, मैं कहीं भी नहीं छेड़ सकती ना, मैं तो यहाँ पे तो छेड़ सकती है, रहने दो फिर, तुम एक्सेसरी ब्रेस्ट तुम्हारी दुखने लग जाती है, एक मुसीबत थोड़ी है। मैं बीमारी का मजाक बना रही है देख लो, तो मैं सब मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? रुकू तुम्हें तो मेरे पैसे सोच भी कैसे? दिद्दू नहीं डुगू, दिद्दू दिद्दी। एक दिन ये वाला चैलेंज करेंगे कि मैं इसके हर वर्ड को कॉपी करूंगी इसको बिना बताए, मतलब इसको बताऊंगी नहीं कि आज ये वाला चैलेंज कर रहे हैं, और जैसे ही ब्लॉग शुरू होएगा ना वैसे शुरू कर दूंगी, और जो ये बोलेगी उसको मैं तुतला के बोलूंगी। ठीक है, ये वाला चैलेंज करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वाला चैलेंज करे कि ना करे, और आई थिंक आज के ब्लॉग को हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए। गाइस मुझे नहीं पता, हमें वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मतलब बंदे का मन और आज ये वाली बात सिद्ध हो गई कि ये लोग हॉस्पिटल वाले ब्लॉग ही देखना चाहते हैं। कल वाले ब्लॉग पर देख लो क्या मस्त व्यूज दिए हैं यार तुमने, मजा ही आ गया। हॉस्पिटल में एडमिट करा दो उसे, कहना बस कि मैं इंजेक्शन आई वी लगाई मैंने। अच्छा फिर तो मजा, फिर पता कैसे चलेगा, फिर सिंपथी कैसे मिलेगी? तो झूठ वाली लगवा लेंगी ना। अच्छा हाँ ठीक है, मेरे को तो वैसे असली आंसू आ जाएंगे नाम से। ये चाहते हो तुम लोग? तो चलो मजाक कर रहे थे गाइस हम तो। गाइस मेरा मन नहीं लग रहा यार, मैं अपने घर बुला लो कोई, तो शादी में बुला लो, तुम्हारे घर में कोई शादी हो रही है मेरे को बुला लो प्लीज, किसी का बर्थडे किसी की शादी कुछ तो हो रहा होगा, अरे भाई किस तो होगा मेरे को बुला लो अपनी शादी में।
बुला लो भाई, मुंबई वाले जो भी हैं वो बुला लो, ठीक है? ठीक है, कहीं वाले भी बुला ले चलेगा, तू ही जाइयो फिर अकेली। चल जाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, चली जाइयो। हाँ ठीक है, कोई मुझे मार दे चाहे, है ना? क्यों मारेगा कोई? किडनैप कर ले कोई मुझे। फेमस नहीं होगी तो कोई मारेगा? मारने से फेमस होने का कोई ताल्लुक नहीं है, कर देना गवारों वाली बात। बस बता दिए ना तुमने कि तुमने वो कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है अपना MBA, दिखा दिए ना तुमने। 70% मार्क्स आए थे MBA में, ठीक है? बिना पढ़े फोन पे सुबह बोलती, बात करती हूँ मुझसे बोलती थी, मैं पूछती थी किस चीज का एग्जाम है यार, मेरा एग्जाम है आज, चुना दीदी एग्जाम है तेरा आज, अच्छा पेपर है ना, कौन सा पेपर है, बस पेपर दिया। फिर भी 70% आए हैं। वो तो तुमको 100% भी दे सकते थे। मेरी सारी पोल पट्टी खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आज सुबह तो तुमने मेरे को बहुत टॉर्चर किया है, कोई बात नहीं, करो तुम टॉर्चर मुझे, करो करो तुम टॉर्चर। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जब से वो SDM वो जो ज्योति मोर्रे करके SDM है ना, जब से उसने अपने पति को धोखा दिया है ना, तब से मुझे ऐसे मारकाट कर रही है जैसे कि मतलब पता नहीं क्या ही है, जैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मुझे ही लेना है। क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना होगा तो SDM बनने के बाद? नहीं मेरे को SDM बनना ही नहीं, मैं ब्लॉगर ही हूं। वो यशल शॉर्ट्स मेरा है। तू वृते को दिख गया कि ब्लॉगर तो तू बनी गई, यशल शॉर्ट्स भी अच्छा खासा चल रहा है, शॉर्ट्स मेरा ही है, मैंने बनाया। तो अब तू बोलेगी चलो भाई जो यशल व्लॉग है उसके अंदर तो ऑलरेडी मेरा 60% पार्टनरशिप थी और यशल शॉर्ट्स तो मेरा है। कौन सा 60%? 5 रुपए पड़े मेरे अकाउंट में, 5 रुपए 38 पैसे। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।